हेलो दोस्तों, मैं गौरव सेन आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल कंपटीशन गुरु 92 पे। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की पे हम बात करते हैं। तो इस पे हम आपको देखिए, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सबसे पहले ईयर आपको ध्यान में रखना है, कब है 1872। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ें जानने में ज़रूरी होगी, आखिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब असल में होता क्या था कि पहले समय में लोग जो है वो फ्रॉड बड़ा करते थे, समझ रहे, लोग एग्रीमेंट कुछ करें और कुछ काम ही नहीं करते थे, और एक लीगैलिटी के लिए, एक लीगल उद्देश्य से हमको एक ऐसा लॉ चाहिए था जो कि मतलब अगर कोई एक दूसरे के बीच में व्यापार करे, बिजनेस करे, तो उसको वो समझे, और अगर वो उस बिज़नेस का कोई भी फ्रॉड करता है या फिर मतलब कोई भी जो बात वो कहता है वो उस पर अगर वो पूरी तरीके से नहीं अमन करता है तो हम उस पर केस फाइल कर सके, समझ रहे, उसको हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के उसमें जो है केस फाइल करवा सकते हैं। तो इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की ज़रूरत महसूस हुई, ठीक है। तो अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जब बना तो उसको तो उसमें कुछ चीज़, उसमें कई सारे सेक्शन बताए गए जो कि आपके आते हैं 1 से लेके 1 to 75 सेक्शन जो हैं वो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। उसके आगे आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू होता है, कितना बताया मैंने, 1 से लेकर 75 तक क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद जो है आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके आगे शुरू होता है। तो हम तो सबसे पहले जो सेक्शन एक है वो बताता है कि ये जो अधिनियम है, ये जो लॉ है, इसका नाम क्या होगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम भारतीय संविधान अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहेंगे, ठीक है। इसमें इतना ही लिखा था, बाकी अब जो आपको मेनली पढ़ना है वो आपको पढ़ना है सेक्शन 2 में। कई सारे सब सेक्शन है, जैसे सेक्शन 2A में आपको प्रपोजल दिया है, सेक्शन 2B में प्रॉमिस दिया है, सेक्शन 2C में प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दिया है, और सेक्शन 2D कंसिडरेशन दिया है, सेक्शन 2E एग्रीमेंट दिया है, समझ रहे, और फिर सेक्शन 2F में रेसिप्रोकल प्रॉमिस दिया है, सेक्शन 2G में वॉइड एग्रीमेंट दिया है, सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और सेक्शन 2I में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट दिया है, सेक्शन 2J में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ठीक है। तो इतना आपको जो है वो ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे हम आप उठाते हैं सेक्शन 2H से जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सेक्शन 2H कहता है, कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन के बारे में बात करता है। तो वो डिफिनेशन क्या देता है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाई लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो सभी एग्रीमेंट, वो सभी प्रस्ताव कॉन्ट्रैक्ट है जो इन्फोर्सिबल कर दिए जाते हैं लॉ के द्वारा, मतलब या फिर इन्फोर्सिबल है लॉ के द्वारा। अगर इसकी हम शुद्ध हिंदी देखेंगे तो हम इसको कहेंगे कि वो एग्रीमेंट, मतलब वो वह करार जो विधिता, जो विविधता परिवर्तनीय हो संविधा है, वह करार जो विधिता, विधिता मतलब विधि, विधिता क्या हो, प्रवर्तनीय हो, इन्फोर्सेबल हो, चेंजेबल हो, तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो इसमें देखिए दो वर्ड के बारे में बात की जा रही है, एक वर्ड है आपका, एक देखिए कॉन्ट्रैक्ट में दो मेनली बात कर रही है, एक एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है, एक इन्फोर्सेबल बाई लॉ के बारे में बात की जा रही है। क्योंकि लॉ जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा जो सभी एग्रीमेंट है, जो सभी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सभी एग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन सभी एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो चीज़ होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एक वो जो एग्रीमेंट है वो कैसा होना चाहिए, इन्फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए लॉ के द्वारा, समझ रहे, वो कैसे होना चाहिए, विधि द्वारा जो है वो कैसा होना चाहिए, विधि द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए, परिवर्तनीय होना चाहिए, समझ रहे। तो अगर हम बात करें सेक्शन 2E की, किसकी, सेक्शन 2E की, तो उसमें हमको बताया है उसके बारे में, एग्रीमेंट के बारे में। तो क्या कहता है एग्रीमेंट, कि एवरी प्रॉमिस सेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। हम एक बार इसकी हिंदी पढ़ दे रहे हैं, इसमें लिखा गया है हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार है,
हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर संवर्ग जो एक दूसरे के लिए क्या हो, प्रतिफल हो। ठीक है, कंसिड्रेशन को हिंदी में प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, बार बार कंसिड्रेशन वर्ड आ रहा है, कंसिड्रेशन हो एक दूसरे के लिए। देखिए, किसी भी करार ये मतलब एग्रीमेंट तभी माना जाएगा जब उसमें कंसिड्रेशन हो। अगर कंसिड्रेशन नहीं होगा तो वो एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा, समझ रहे। इसीलिए अभी आगे हम समझेंगे कि क्या है वैलिड, है कौन कौन से, मतलब वैलिड है, इसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, समझ रहे। तो इसमें आगे हम देखिए इसमें क्या लिखा है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिड्रेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। मतलब कंसिड्रेशन होना जरूरी है एक पक्ष के लिए नहीं, दोनों पक्ष के लिए, ईच एंड अदर दोनों पक्ष के लिए क्या होना चाहिए, कंसिड्रेशन होना चाहिए। जब तक कंसिड्रेशन नहीं होगा तब तक वो एग्रीमेंट नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये अभी हम आपको छोटा सा रिव्यू बता रहे हैं, अभी एग्रीमेंट पे और आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर आए दूसरा वर्ड, बात करता है इन्फोर्सिबल एट लॉ। देखिए, सभी कॉन्ट्रैक्ट जब तक वो लॉ के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। मतलब एग्रीमेंट को क्या ऐसा होना चाहिए, प्रवर्तनी होना चाहिए लॉ के द्वारा। अब देखिए, एग्रीमेंट ना मतलब वैलिड भी हो सकता है और इनवैलिड भी हो सकता है, मतलब लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है। लीगल में जब आप एक लॉ के द्वारा, एक लॉ की दृष्टि में एक सही व्यापार करेंगे तो तब उस पर आप जो एग्रीमेंट करेंगे तब वहाँ पे क्या होगा, तब तो वो वैलिड माना जाएगा। अब जैसे अगर आप चरस गांजे का आप एग्रीमेंट करेंगे तो वो एक वैलिड नहीं है, वो आपका इनवैलिड में आ जाएगा, समझ रहे हैं, वो इलीगल में आ जाएगा। इलीगल कोई भी काम अगर आप एग्रीमेंट करेंगे तो वो विधि के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा कि एग्रीमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट में वही चीज़ हम शामिल कर सकते हैं जो इन्फोर्सिबल बाई लॉ हो। जो इन्फोर्सिबल एट लॉ नहीं होगा हम उसको कॉन्ट्रैक्ट की दृष्टि में नहीं रखेंगे, समझ रहे हैं। तो अभी की वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में मिलते हैं तब आपसे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।